हेलो फ्रेंड्स, मैं आरती यादव स्वागत करती हूं अपनी एक और नई वीडियो में। प्रेगनेंसी के दौरान फ्रूट खाने के क्या फ़ायदे होते हैं। प्रेगनेंसी में फ्रूट खाना बहुत ही हेल्दी माना जाता है। हर प्रेग्नेंट महिला को प्रेगनेंसी के दौरान कैल्शियम, फॉलिक, आयरन, इन सभी न्यूट्रिशन की ज़रूरत होती है, क्योंकि जो आप अपने प्रेगनेंसी के दौरान खाती हैं उसका सीधा असर आपके होने वाले बच्चे पर पड़ता है। आज की वीडियो में हम बात करेंगे प्रेगनेंसी के दौरान कौन कौन से फल आपको खाने चाहिए और कौन से फल में क्या क्या न्यूट्रिशन होते हैं, क्योंकि आपके गर्भ में पल रहे बच्चे को बहुत सारे न्यूट्रिशन की ज़रूरत होती है, तो हर प्रेग्नेंट महिला को ये जानना बहुत ज़रूरी है। तो आप हमारे इस वीडियो को पूरा ज़रूर देखें और वीडियो को कहीं से भी स्किप ना करें। तो सबसे पहले हम जानते हैं कि सबसे पहला फ्रूट्स कौन सा है। चीकू। प्रेगनेंसी के दौरान प्रेग्नेंट महिला को चक्कर आना, जी मिचलाना, उल्टी आना, ये समस्या नॉर्मल होती है। इन सभी समस्याओं से बचने के लिए प्रेग्नेंट महिला को अपनी डाइट में चीकू को ज़रूर शामिल करना चाहिए, क्योंकि ये फ्रूट्स आपके पेट में होने वाली प्रॉब्लम जैसे पैचेस, दस्त, उल्टी, चीकू में बहुत सारे न्यूट्रिशन होते हैं जैसे विटामिन ए, विटामिन बी, फाइबर, साथ ही साथ ये एंटीऑक्सीडेंट भी होता है। इसके अलावा इसमें अन्य बहुत सारे न्यूट्रिशन भी होते हैं जो पेट से जुड़ी सभी समस्याओं को ख़त्म करते हैं। दूसरा फल है केला। पोषक तत्व से भरपूर होता है, इसीलिए प्रेगनेंसी के दौरान केला खाना बहुत ही ज़्यादा फायदेमंद माना जाता है। केले में बहुत सारे न्यूट्रिशन होते हैं, फैटी एसिड, खनिज, कार्बोहाइड्रेट, विटामिन सी, विटामिन ए, डाइट्री फाइबर, ये सभी न्यूट्रिशन आपके गर्भ में पल रहे बेबी के लिए बहुत ही फायदेमंद होते हैं। तीसरा फल है कीवी। ये फल प्रेगनेंसी के दौरान बहुत ही हेल्दी माना जाता है। इसमें बहुत सारे न्यूट्रिशन होते हैं जैसे कि विटामिन ए, सी, ई, फॉलिक एसिड, पोटेशियम। प्रेगनेंसी के दौरान काफ़ी महिलाओं को खांसी, घबराहट जैसी समस्या हो जाती है, तो अपनी प्रेगनेंसी डाइट में ये ज़रूर शामिल करें। अगला है सेब। नॉर्मल हेल्थ में भी सेब को बहुत हेल्दी माना जाता है। डॉक्टर भी हमें सजेस्ट करते हैं कि एक सेब रोज़ाना खाना चाहिए, तो प्रेगनेंसी के दौरान भी ये बहुत ही फ़ायदेमंद माना जाता है। ये हमारे हेल्थ के लिए बहुत ही फ़ायदेमंद होता है। इसमें काफ़ी सारे न्यूट्रिशन होते हैं। सेब में विटामिन ए, विटामिन सी और फॉलिक होने के कारण ये गर्भ में पल रहे बेबी में जन्म से ही बीमारियों से दूर रखता है और उसे हेल्दी बनाने में मदद करता है, इसीलिए हर प्रेग्नेंट महिला को रोज़ाना एक सेब ज़रूर खाना चाहिए। चौथा है संतरा। विटामिन सी पाने से भरपूर संतरा शरीर में आयरन को अवशोषित करने में मदद करता है। फॉलिक और विटामिन सी से भरपूर होने से गर्भ में पल रहे बच्चे को जन्मजात बीमारी होने से ये बचाता है, इसीलिए हर प्रेग्नेंट महिला को नियमित रूप से अपने प्रेगनेंसी के दौरान संतरे का सेवन ज़रूर करना चाहिए। पानी की कमी होने की वजह से डॉक्टर को सिजेरियन डिलीवरी करनी पड़ती है। अगर आप भी चाहते हैं कि आपकी नॉर्मल डिलीवरी हो, आपका बच्चा स्वस्थ रहे, तो आपको अपनी प्रेगनेंसी के दौरान नियमित रूप से एक संतरे का सेवन ज़रूर करना है। पांचवा है नाशपाती। नाशपाती में फॉलिक एसिड, पोटेशियम, इसमें बहुत सारे न्यूट्रिशन होते हैं। नाशपाती का सेवन करने से प्रेगनेंसी के दौरान जो कब्ज, एसिडिटी जैसी प्रॉब्लम रहती है, साथ ही साथ आपके गर्भ में पल रहे बच्चे के जो हार्ट को हेल्दी बनाने में मदद करता है। अगला है आम। विटामिन सी से भरपूर होता है। अगर आप अपने प्रेगनेंसी के दौरान एक कटोरी आम कटा हुआ खाते हैं तो ये आपके शरीर में विटामिन सी की कमी नहीं होने देगा, साथ ही साथ ये गर्भ में पल रहे बच्चे के इम्यून सिस्टम को मजबूत बनाता है। फ्रेंड्स, अगला है अनार। कहते हैं ना, एक अनार और फायदे हैं हजार। प्रेगनेंसी के दौरान अनार को अमृत के समान माना जाता है, क्योंकि अनार में बहुत सारे पोषक तत्व होते हैं। सबसे ज़रूरी बात है कि प्रेगनेंसी के दौरान खून की कमी हो जाती है और फिर हमें एनीमिया जैसी बीमारी से गुजरना पड़ता है, तो अनार का सेवन करने से आपको एनीमिया जैसी बीमारी नहीं होगी। आपके शरीर में ये ब्लड को बनाए रखता है और साथ ही साथ आपके बच्चे को हेल्दी रखता है। अगर अभी तक आपने अनार का सेवन नहीं किया है तो ज़रूर करिए, क्योंकि अनार आपके और आपके बच्चे के लिए बहुत ही ज़्यादा फायदेमंद होता है। आपको ये जानकारी कैसी लगी, आप हमें कमेंट बॉक्स में कमेंट करके ज़रूर बताएं। अगर आपको हमारी ये वीडियो पसंद आई है तो वीडियो को लाइक ज़रूर करें, अपने फ्रेंड के साथ शेयर करें, और हाँ दोस्तों, हमारे मॉमी बेबी केयर चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें, ताकि आपको हमारी आने वाली सभी वीडियोज़ की जानकारी समय पर मिलती रहे।
मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में एक और नई इन्फॉर्मेटिव वीडियो के साथ। तब तक के लिए अपने बच्चे का ख्याल रखिए और स्वस्थ रहिए।